हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ रोज़ एक जैसी सब्जी खा के आप बोर हो गए हैं, तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाने में बिल्कुल आसान है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है उड़द की दाल, जिसको कि रात को ही फूलने के लिए डाल दिया था। अब उसको मैंने एक बार अच्छे से धो लिया है दाल को फिर से। अब यहाँ एक मिक्सी के जार में अदरक, हरी मिर्च और साथ में डाल देंगे लहसुन 4-5 कली। और इसी के साथ यहाँ पे इसमें हम ये दाल भी ऐड कर देते हैं और इसको हमने पीस लेना है। तो दाल में मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, बिना पानी के ही जो दाल में पानी होगा ना, उसी से ये पीस के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे दाल हमारी बहुत अच्छे से देखिए पीस गई है, बिल्कुल भी ऊपर से मैंने पानी इसमें और नहीं डाला है। तो यहाँ पे इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा मिक्सी के जार में ही पानी डाल के मैंने इसमें मिला दिया है। दाल को हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, हल्का तरतरा सा हम इसको पीस के तैयार करेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ ऐसे ही। और इधर फिर से वही मिक्सी का जार ले लिया, उसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और 2 टमाटर लिए हैं और इसको भी हमने पीस लिया है। तो इसको हम अभी साइड में रख देते हैं और इधर जो दाल रखी थी उसको अब एक बार अच्छे से फेंट लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं नमक टेस्ट के हिसाब से, साथ ही डाल देंगे आधा छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर और यहाँ पे एक प्याज लिया है बारीक कट करके, और साथ ही खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और एक छोटी चम्मच से अजवाइन डाल देंगे हाथ से हल्का सा क्रश करके। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो एक पिंच मैंने यहाँ पे खाने वाला मीठा सोडा इसमें डाला है और इसको भी हम बढ़िया से इसमें मिला देंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। बैटर हमारा एकदम अच्छे से फूल जाएगा और इससे हमारी जो पकौड़ियाँ बनेंगी बहुत ही फूली फूली सी बनेंगी। तो अब यहाँ बैटर रेडी हो गया है। गैस पर मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था गरम होने के लिए, तेल गरम हो गया। इसमें हम इस तरीके से छोटी छोटी इसकी पकौड़ियाँ बना के तैयार करेंगे। तो इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनाएंगे, ये फूल की थोड़ी सी साइज़ में अपने बड़े हो जाएंगे, इसे छोटा छोटा ही बना के हम तैयार करेंगे और उलट पलट के इसको अच्छे से हम पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी भी पका के तैयार कर लेंगे। ये इतना टेस्टी लगता है ना कि आप इसे ऐसे ही पकौड़ियाँ ऐसे ही खा जाएंगे, बच्चे तो इसे ऐसे ही ले लेके खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाकी भी फ्राई हो गए हैं। अब हम कढ़ाई में से थोड़ा सा तेल कम कर लेंगे और फिर बाकी के तेल में हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी डाल देते हैं मेथी और साथ ही डाल देंगे 2-3 सूखी लाल मिर्च डाल देते हैं। और यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं और प्याज को हमने अच्छे से भून लेना है। तो प्याज को हम ढक ढक के ही भूनेंगे ताकि बढ़िया से प्याज भुन जाए हमारा। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको ढक दिया है और ये देखिए यहाँ पे ढक के मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया है। और यहाँ पे एक छोटी चम्मच से कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। यहाँ पे ना इस तरीके से हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च तो कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी में। और प्याज हमारा अच्छे से भुन गया था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है जो टमाटर अदरक लहसुन वाला पेस्ट था वो यहाँ पे ऐड कर दिया है और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देते हैं मसाले। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, आधा ही चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है, साथ ही यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च डाल सकते हैं और नमक भी डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और एकदम स्लो आंच पे इसको ढक के हमने बढ़िया से मसालों को भून लेना है। जब तक हमारे मसाले अच्छे से तेल नहीं छोड़ देते हैं तब तक हम मसालों को भून लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा छोटी चम्मच से गरम मसाला इसमें डाल दिया है, अच्छे से मिला दूँगी और अब इसको ढक देती हूँ और ढक के अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पर 4-5 मिनट के लिए मसालों को अच्छे से भून लिया है, मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून गए हैं। देखिए बढ़िया से तेल भी छोड़ने लगा है मसाला। तो अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, तो पानी इसमें अभी थोड़ा ज़्यादा करके डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2.5 कप मैंने पानी इसमें डाल दिया है। अब ढक देंगे और अच्छे से इसको उबलने देंगे, ग्रेवी को 3-4 मिनट के लिए बढ़िया से उबाल लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से उबाल लिया है मैंने ग्रेवी को। अब यहाँ पे हम ये सारी पकौड़ियाँ इसमें डाल देते हैं। तो इसको जब आपको खाना होगा ना तभी आप इसमें डालिएगा, अगर डाल के इसमें छोड़ देंगे तो ये बहुत ही जल्दी से पूरा इसकी ग्रेवी को अच्छे से पी जाएंगे और ये एकदम ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी। तो आपको जब खाना होगा तभी आप गर्म करके
करके ग्रेवी को गर्म करके तब इसमें इसको डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे को अभी सर्व करना है, तो मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया है। तो 2 मिनट के अंदर ही देखिए सब्जी कितनी गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी सी हमारी दाल की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, गर्मा गर्म चावल या फिर रोटी पराठे के साथ आप इसे सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर से बना के आप ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।